वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि सारे चौधरी भी मर जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि 13 दिसंबर को कोई कयामत होने जा रही है, बल्कि 13 दिसंबर के बाद इमरान खान के लिए खुशखबरी के दिन शुरू हो जाएंगे। मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ओपोजिशन अराकीन इस्तीफे नहीं देगी, और अगर दे भी दे तो असेंबली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालात जैसे भी हों पीडीएम को फायदा नहीं होगा। इमरान खान मीनारे पाकिस्तान से ऊपर गए थे और ओपोजिशन मीनारे पाकिस्तान से नीचे आएगी। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत छोड़ दूंगा, करप्ट के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। वफाकी वजीर ने कहा कि ओपोजिशन का नजरियाती इत्तेहाद नहीं है, उनका नजरिया है इमरान खान ना हो। जो फरमाते थे आर होगा या पार होगा, वो बीज मंझधार हो गए हैं। आसिफ जरदारी छठा बहरी बेड़ा है, वो हालात से फायदा उठाने की कोशिश में है। सारे चौधरी भी मर जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। नून लीग से भी एक बड़ा ग्रुप बनेगा। शेख रशीद, बिला आखिर ऐसा वक्त आ जाना है, लोग सियासत से तंग आ जाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है और ओपोजिशन को जलसों का शौक है। पंजाब भर की लाहौर में भी कोरोना से अवाम की जान को खतरा है, जबकि शहर में हाई अलर्ट है और आज भी 5 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। आप चाहते हैं गरीब का बच्चा कोरोना से खुदकुशी कर ले, अपने बच्चों को महफूज घरों में रखा हुआ है। अगर ये लोग जेलों में भी चले जाएं तो अराकीन असेंबली होने के 22 सहूलतें मिल रही हैं। ये लोग अराकीन असेंबली ना रहे तो जेलों में सी क्लास मिलेगी।